तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका सक्षम में सक्षम ब्लॉगर। और आज है संडे और कल है मेरे अकाउंट्स के एग्ज़ाम। आपने मेरा पार्ट वन देखा होगा अकाउंट्स ब्लॉग का, तो उसके अंदर आपको मज़ा भी आया होगा। तो अब मैं पार्ट टू हम लोग का चालू करते हैं। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और मेरे को 10 बजे जाना है ट्यूशन। तो मैं अभी पढ़ने बैठ चुका हूँ, थोड़ा बहुत सम करने बैठ चुका हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सब मैं निकाल लिया है, सब सम वम करने बैठ गया हूँ मैं, और मज़ा आएगा। सिस्टम करता हूँ और आप सिनेमेटिक चेक करिए, फिर ट्यूशन भी जाकर। तो गाइस फाइनली अभी जितना मेरे को थोड़ा सा एकदम हल्का सा पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो अभी ट्यूशन भी जाना है, इसलिए ट्यूशन में पढ़ लूँगा, पर ट्यूशन में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। तो जाते वक्त दिखा दूँगा मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, फिर भी वीडियो रिकॉर्ड शायद से थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँगा बस। तो अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए, सुबह से उठ के साथ पढ़ने बैठ गया था, तो नहाने जा रहा हूँ। सब चीज़ वाले रख रहा हूँ, बैग वैग पैक कर रहा हूँ। चलिए, बैग वैग पैक कर दिया, कपड़ा वपड़ा निकाल दिया, तो मैं जा रहा हूँ नहाने और नहा के आकर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली नहा के आ चुका और बैग पैक भी कर दिया। अब खाली पापा खाना लेने गए हैं, लेके आएंगे, फिर खाना खाऊंगा और निकल जाऊंगा ट्यूशन के लिए। और मेरे को अभी वीडियो की एडिटिंग भी बाकी आज का ब्लॉग की, तो उसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, बाल बाल शायद कर लिया, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए मैं खाना खाता हूँ और मिलता हूँ आपको। तो गाइस मैं ट्यूशन से तो आ चुका था पढ़ के एक चैप्टर, फिर मैं और पापा निकल गए थे हम लोग का नया घर देखने के लिए। तो देखने के लिए निकल गए थे, हम लोग का नया घर बन चुका है, क्या बना है क्या नहीं। और मैंने रास्ते में अपने लिए एक न्यू स्लीपर भी ले ली थी, मस्त लग रही थी स्लीपर, पर मेरे लिए नहीं पापा के लिए। फिर हम लोग रास्ते में मस्त हरियाली देखते देखते पहुँच गए थे हमारी सोसाइटी के एकदम बाजू में, देख सकते हो हम लोग की पूरी गृहम सोसाइटी दिख रही थी, मतलब अपार्टमेंट सोसाइटी कुछ भी बोल सकते हो। और मज़ा आ गया, हम लोग अपने घर के पास पहुँचे। और पहले जैसा मैं देख के गया था वैसा तो नहीं था, ये सब नीचे का तो ऐसा ही था, फिर भी मेरा और मेरी बहन का जो घर है और मेरा रूम है, मतलब उधर हम लोग का फ्लोर हम लोग का पूरा रेडी हो चुका था। और मतलब सब लकड़ी अकड़ी लगा दी थी, अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये देखिए, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये है मेरे बाजू लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये है मेरा रूम, देख सकते हो आप लोग। और ये है मेरी बहन का रूम। तो मेरा और मेरी बहन का रूम पहले बना हुआ नहीं था, पर अब बन चुका था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और ये मेरे रूम का वॉशरूम है, तो ये है मेरा रूम, देख सकते प्रोग्रेस में है प्रोग्रेस। तो जब हम लोग का घर रेडी हो जाएगा तब बाहर से हम लोग का कुछ ऐसा दिखेगा घर। मजा आ रही है भाई अपने घर देखने आ गए, पर एग्ज़ाम का डर लग रहा है, अकाउंट्स के एग्ज़ाम है और मैं कुछ अभी बहुत बाकी है मेरा करना, तो उसका डर भी लग रहा है। तो फटाफट पापा को बोलते हो चलते घर पर। फिर मैं और पापा निकल चुके थे घर के लिए, घर वर देख के सब समझा के। तो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, 5 बज भी चुके हैं और मैं अभी तक कुछ लग मन नहीं किया है। तो अभी मैं अकाउंट्स लेके बैठता हूँ, आप लोग सिनेमैटिक चेक करिए और मैं पढ़ता हूँ फटाफट भाई। अकाउंट्स तो चलते रहेगा, तो मैं अपनी आवाज़ सुनाता हूँ कि मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक है, तो आप मेरे को रेट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैंने कैसे सिंगिंग की है। चलिए, जाने कौन है तू मेरी मना, जानू ये मगर जा जाऊँ मैं करूँ मैं वाह, तेरा ही फिक्र मैं दिल का राज कहता हूँ, कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। तो गाइस फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपने, कैसे गाना गाया मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में बताइए, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए बस। तो ये गाइस, तो मेरे को आपको जितना दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कितना पढ़ा। मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा है नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है इसीलिए, और मज़ा भी नहीं आ रहा था अकाउंट्स पढ़ने में। तो मैं पासिंग मार्क्स जितना पढ़ चुका हूँ और बस आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पास हुआ तो पास, फेल हुआ तो फेल मेरे को चलेगा, पर आगे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कल ही कल डायरेक्ट सुबह उसके रिवाइज करूँगा, बस बात ख़त्म हो गई। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ कल सुबह सुबह, हाँ सुबह सुबह कंटिन्यू करता हूँ मैं। बाय बाय, लाइक कर दीजिए पहले इस वीडियो को। तो गाइस फाइनली मैं सुबह सुबह उठ चुका था मस्त नींद में, 3:30 बज रहे थे। फिर मैंने चालू कर दिया अपना रिवाइज करना, तो आप सिनेमैटिक चेक करिए।
बस तो अभी मैं पढ़ के मतलब सुबह सुबह उठ के सब पढ़ लिया है। अब भगवान जाने मेरे को कितना आएगा, कितना नहीं, पेपर कैसा बनेगा, पर मेरे हिसाब से तो मैं आधा बहुत पढ़ लिया है। पर मैं क्लास का वही बच्चा हूँ जो एम सी क्यूज़ कम्प्लीट करके लगता है मुझे पोर्शन कम्प्लीट हो गया है। अभी एम सी क्यूज़ पढ़ने का टाइम है, मैं थियरी प्रैक्टिकल सब कर लिया है, भगवान जाने क्या हुआ। फिर भी अब एम सी क्यूज़ पढ़ते हैं और मिलता हूँ मैं आपको। फाइनली एम सी क्यूज भी कम्प्लीट हो चुके हैं तो अब पासिंग मार्क्स आ जाएंगे शायद से, कुछ बोल नहीं सकते। तो चलिए मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा के आता हूँ और मिलता हुआ मैं आपसे। तो गाइस तो चलिए मैं पढ़ाई जितनी होनी थी हो गई है, स्कूल से आता हूँ और फिर मिलता हूँ और बताता हूँ पेपर कैसा गया है। बाय बाय। तो वे गाइस तो फाइनली मैं अभी स्कूल से आ चुका हूँ, पर भीगते भीगते आया हूँ और ये मज़ा आ गया आज अकाउंट्स के पेपर में। मैं जितना टेंशन दिया था अकाउंट्स के पेपर में उससे डबल मतलब मस्त ईजी पेपर था। पर मेरे को अभी भी थोड़ा शक है तो मैं एम सी क्यूज अभी सॉल्व किया और दिखाता हूँ मैं आपको एक मिनट आंसर्स। और खुशी की बात यह है कि खुशी है क्योंकि हम लोग का 10 का 10 एम सी क्यूज राइट पड़ चुका है, एकदम करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 का 10 एम सी क्यूज राइट है, मतलब 10 मार्क्स अपने ऐसे ही आ गए और 17 मार्क्स का हम लोग का पासिंग मार्क्स है। तो मैं जो जो सब सॉल्व करके उसके अंदर भी राइट पड़ ही जाएंगे तो आराम से मैं पास हो जाऊँगा। मुझे लगता है 20 और 30 के बीच में आ सकते हैं मार्क्स, अगर सर ने इजी चेक किया तो 20-30 का मेरे आ सकते हैं, 30 ऊपर आ सकते हैं, पर पास हो जाऊंगा मुझे ऐसा लगता है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, होगा आप लोगों का वीडियो चला होगा, अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, आपको मैं उसके अंदर अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल गाइज़।